इतना षड्यंत्र होने के बाद एक खबर गायब है जो बहुत बड़ी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में महाआघाड़ी सरकार को कैसा तमाचा वहां की जनता ने मारा है, यह पूरी तरह से गायब है मेन स्ट्रीम मीडिया से, सोशल मीडिया पे भी यह खबर नहीं है। वो खबर क्या है कि महाराष्ट्र में महाआघाड़ी सरकार से किस कदर वहां की जनता तंग है, लेकिन उस पर एक थोपी हुई सरकार पड़ी हुई है लेफ्ट लिबरल गिरोह के षड्यंत्र से। वहां शरद पवार की एक महाआघाड़ी की सरकार पड़ी हुई है, जिस शरद पवार का गृह मंत्री, जिसके ऊपर 100 करोड़ की वसूली का आरोप है, और उसको उसके बचाव में शरद पवार को 2 बार 24 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है। अपने बुजुर्ग होने का एक तरह से फायदा उठाते हैं वो, 2 घंटे तक उनसे वो लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आ जाता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। उन्हें जो डाटा दिया गया है वो झूठ है कि जिस समय में 100 करोड़ वसूली की बात है उस समय में उनका गृह मंत्री राजधानी में था नहीं, और ये झूठ ऑन एयर साबित हो जाता है जो कैमरे के सामने उन्हें दिखाया जाता है कि कैसे ये झूठ है, और वो उस समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिस समय में बताया जा रहा है कि वो बीमार थे। बताया गया को तो कोरोना से प्रभावित थे, वो बीमार थे। अब इस चीज को देखिए, महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है, महाराष्ट्र की जनता उससे कैसे है कि एक निर्लज्ज महाआघाड़ी सरकार खड़ी कर दी गई महाराष्ट्र। जनता ने चुना किसको? जनता ने चुना बीजेपी को और शिवसेना को। रिजेक्ट कर दिया किसको? शरद पवार एंड गैंग को, तब भी जबकि मराठा आरक्षण का ढोंग किया गया, तब भी रिजेक्ट हो गए। मतलब समाज ने इनके षड्यंत्र को समझ लिया। बहुत बारीक, मराठा समाज का स्वाभिमान था, उसने कहा चिरकुटो तुम हमें आरक्षण दे रहे हो, हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि बिना मराठा वोट के ये संभव नहीं था कि बीजेपी इतनी खड़ी हो जाती। अब इस चीज को देखिए कि कैसे इग्नोर किया जा रहा है। पंडरपुर विधानसभा जो है महाराष्ट्र में, वहां पर एक उपचुनाव हुआ है अभी। पंडरपुर विधानसभा में एनसीपी की के विधायक थे, और एनसीपी के विधायक की मौत हो गई, भरत भालके। भरत भालके एनसीपी के विधायक थे, कोरोना से उनकी मौत हो गई, तो उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में भालके के पुत्र को, भगीरथ को, टिकट दिया गया एनसीपी से। अब पक्ष को समझिए, एनसीपी ने जो पहले चुनाव लड़ा था उससे मजबूत स्थिति में है। कैसे? पहले एनसीपी और कांग्रेस ने मिल करके चुना तो भरत भालके विधायक चुने गए। अब की बार एनसीपी के साथ साथ शिवसेना भी थी, मतलब आप तीनों जो तिकड़ी हैं महावसूली सरकार के, वो तिकड़ी आप शामिल हो गए और भाजपा अकेले पर गए। भाजपा ने जब पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था, जब भरत भालके जीते थे, उस समय में शिवसेना और भाजपा ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, तब भी ये हार गए थे। शिवसेना और भाजपा मिलकर के चुनाव लड़ा और तब भी ये हार गए। अब की बार शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर के चुनाव लड़ी, और सिंपैथी भी होना चाहिए था, क्योंकि भरत भालके की मौत जो है कोरोना से हो गई, तो कायदे से उनको सिंपैथी मिलना चाहिए। इसी सिंपैथी को भुनाने के लिए उनके बेटे को टिकट दिया गया, लेकिन वो बुरी तरह से हार गए। ये पंडरपुर विधानसभा का चुनाव का परिणाम महाराष्ट्र में एक बड़ा संदेश है कि महाराष्ट्र की महाआघाड़ी सरकार के खिलाफ वहां की जनता है, और तत्काल प्रभाव से वहां की जनता को इस लूट वाली महावसूली सरकार से मुक्ति मिलनी चाहिए। यह पंडरपुर विधानसभा चीज सीट ये संकेत दे रहा है। आप कह सकते हैं एक विधानसभा से क्या होता है? होता है इसलिए क्योंकि इसका मतलब है कि महाराष्ट्र की जनता ने पहचान लिया है इन लुटेरी सरकार को। महाराष्ट्र की जनता को यह लग गया है कि यह लुटेरी सरकार कहीं हमें मराठा आरक्षण के नाम पर हमारे समाज को बांट रही है, इसे तुष्टिकरण का वोट थोक में मिल जाता है, फिर उसे गुंडागर्दी करने की आजादी मिल जाती है, और फिर बहुत अच्छे से बॉलीवुड में उसका प्रभुत्व हो जाता है, फिर तीन खान जो है शासन करता है पूरे बॉलीवुड पे, और ये चीजें चल रही होती है क्योंकि आप मराठा आरक्षण करके मराठा को तोड़ दीजिए, इधर ब्राह्मण को तोड़ दीजिए, जाति में समाज को बांटते रहिए और वहां तुष्टिकरण का वोट लेते रहिए। कहिए कि वो समाज बटेगा नहीं, जैसे ममता बनर्जी ने कहा वोट मत बटने देना अपना। इस खेल को समझिए, तब आपको महाराष्ट्र में पंडरपुर विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है वो एकदम से परिणति दिखाई देती है कि क्या है पूरा मामला। ये पूरा मामला दिखाता है कि महाराष्ट्र की जनता अब इस महावसूली सरकार से मुक्ति चाहती है, इसको मुक्ति देना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि बंगाल से ज्यादा महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना।
महाराष्ट्र में हटाया जाना, अब ये अंधेर हो रहा है। पंढरपुर विधानसभा में 3700 वोट से चुनाव हार गए भरत भालके के बेटे, और इस बात को बार बार समझिए कि वो कोरोना से उसकी मौत हुई विधायक की, उसके बेटे को टिकट मिला, कायदे से सहानुभूति मिलनी चाहिए थी। और पिछली बार जो चुनाव था वो कांग्रेस और एनसीपी मिलकर के लड़ा, एनसीपी चुनाव ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, कांग्रेस सपोर्ट में थी, अब की बार उसके साथ शिवसेना भी थी। तो ये दरअसल ये परिणाम दरअसल शिवसेना को औकात बता रहा है, ये परिणाम बताता है कि शिवसेना की हैसियत क्या रह गई है। एक बहुत अच्छा आंकड़ा मैं देख रहा था, महाराष्ट्र के एक साथी ने इशारा किया, तो महाराष्ट्र में जो 30 महाघारी की महावसूली सरकार में 30 विधायक 30 मंत्री हैं, जिसमें कोटे के हिसाब से 10 शिवसेना को मिला हुआ है। दो तो एक ही परिवार के हो गए, दो एक परिवार के हैं, दोनों बाप बेटा हैं, बचे 8। 8 में भी एक बहुत अच्छा गेम है कि उसमें भी 8 में 2 जो हैं वो कांग्रेस से शिवसेना में आए हुए लोग हैं। अब 6 में 3 जो हैं वो शिवसेना के सहयोगी पार्टी के हैं। अब ऐसे में एक तरह से माना जाए कि 3 मंत्री जो है परिवार का हटा दिया जाए, परिवार का जोड़ करके 5 हो गए, ओवरऑल 3, मतलब पूरे शिवसेना में कितने विधायकों में, 54 विधायकों में 3 को मंत्री बनाया गया, और ये चुनाव लड़े थे कम बीजेपी के साथ। तो ये आक्रोश है, और ये सामान्य चीज नहीं है कि पंढरपुर विधानसभा से बीजेपी की जीत। कब? ना सिर्फ ये एक एनसीपी से छीना गया है, बल्कि तीनों मिल करके लड़े हैं, सरकार उनकी है। आमतौर पर क्या होता है, आदमी जनता ये सोचती है, उपचुनाव हमेशा सत्ता के पक्ष में होता है, जनता को ये लगता है कि यदि ये जीतेगा तो मंत्री बन सकता है, यदि ये जीतेगा तो सत्ताधारी पार्टी का तो है ही, ये तो तय है ना। चुनाव से पहले आपको नहीं पता होता है कि आपका विधायक जो है वो सरकार में जाएगा कि नहीं, लेकिन उपचुनाव में आपको पता होता है कि यदि हम इस पार्टी के विधायक को जिताते हैं तो ये सरकार में जाएगा, पावरफुल रहेगा, हमारे लिए काम बेहतर करेगा। इसीलिए आप अक्सर देखेंगे कि उपचुनाव के परिणाम सत्ता के पक्ष में होते हैं, लेकिन ये तमाम चीजें होने के बाद भी ये पंढरपुर विधानसभा ने संकेत दिया है। मुझे लगता है कि पंढरपुर विधानसभा ने एक घंटी बजा दी है और अमित शाह एंड टीम को अब एक्शन लेना चाहिए। मगर आप देखिए कि ये लुटियन मीडिया, ये राक्षसी मीडिया जो बर्बाद कर देने पे लगी हुई है भारत को, इनका वजूद खत्म हो गया है। मैं हमेशा कहता हूं इनका ये निर्लज्जों की टीम सिर्फ खैरात पर जिंदा रहना चाहती है। इन्हें मुंशी प्रेमचंद की उस कहानी की तरह है, नमक का दरोगा, यदि आपने पढ़ी होगी, उसमें बेटा को बाप कहता है कि ऊपरी आमदनी के बिना कैसे चलाओगे सब परिवार, ये तो सैलरी जो है पूर्णमासी का चांद है। तो जितने ये सुसु पत्रकार हैं, ये सबकी मोटी सैलरी है, बहुत प्रभावशाली है, और जितने दिन ये नौकरी किए हैं करोड़ों की पैकेज पे रहे हुए हैं ये। और मैं हमेशा कहता हूं कि पूरे हमारे पेशे के लिए कभी ऐसी ऐसी बात मत सोचिएगा, बड़ा संघर्षशील पेशा है, बड़ी ताक के साथ जीते हैं। कई ऐसे पत्रकार हैं जो पूरी जिंदगी अपनी निष्ठा और ईमानदारी में झोंक देते हैं, ये सेलेक्टेड ऊपर ऊपर ही पी जाते हैं, जो पीने वाले हैं कहते हैं ऐसे ही हैं, जो जीने वाले हैं, जो स्क्रीन पे आपके बड़े बड़े तोपकी दिखते हैं, अदालत लगाने वाले गैंग के लोग जिनको आप राष्ट्रवादी भी समझ लेते हैं, असल खेल इन सब का होता है। और ये बड़ी आसानी से कभी ये भी सही करके ये निष्पक्ष दिखने के खेल में असल गेम करते हैं। और ये जो खिलंदर हैं जिनको दरअसल, ये हर किसी को, मैं बार बार इस बात को कहूंगा कि हर किसी की परेशानी ये हो गई है, तो उसका प्रिविलेज खत्म हो गया है, वो प्रधानमंत्री के विशेष विमान में नहीं जा पाता, प्रधानमंत्री के विशेष विमान में जो शराब की विशेष व्यवस्था होती थी, वहां से लाकने का गिफ्ट का जो अलग शौक होता था, वो प्रधानमंत्री के साथ हम आए हैं तो शानदार होटलों की जो, ये जो प्रिविलेज है ये खत्म हो जाना, अपने बीवी को, अपने बेटी को, अपने बेटे को, अपने भाई को सेट करने की, इसीलिए ये बर्बाद कर देना चाहते हैं ये नरेंद्र मोदी के और अमित शाह की टीम को। इसीलिए इस चीज को समझना जरूरी है। मैं जानता हूं बंगाल में बहुत पीड़ादायक है, लेकिन ये जो गठजोड़ इन दोनों का हुआ है वर्तमान समय में, उसको समझने की जरूरत है। लेकिन जनता इन चिरकुटों के ऊपर रिजल्ट नहीं देती। पंढरपुर का चुनाव परिणाम अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है, और मुझे लगता है इस देश की केंद्र की सरकार को इस पे बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। और आप में से जो लोग कहते हैं ना कि बंगाल पे भी सिर्फ चर्चा कीजिए, सिर्फ नहीं,
महाराष्ट्र बहुत अहम है। महाराष्ट्र पर जब तक सरकार फैसला नहीं करेगी, महाराष्ट्र जो कि राज्य के देश की आर्थिक राजधानी का शहर है, और योगी ने इसकी रीढ़ तोड़ दी है। दरअसल बेचैनी किस बात की है, ये फिल्म सिटी यहाँ आ गया। आज मैं आज जब सतीश जी अभी 5:30 बजे आपके साथ होंगे, तो मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज उनसे आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे वो, कि कैसे फिल्म सिटी वाला खेल हुआ है, और ये खलियर पत्रकारों की टीम कैसे वहां योगी को ठगने गए थे, और क्यों योगी के खिलाफ है ये खलियर पत्रकार, ये वो आपको वो भी बताएंगे। बहुत रोचक आज उनसे हमारी बात हुई है, तो 5:30 बजे उनके साथ आइए। इस पूरे फैक्ट को दरअसल आप समझ पाएंगे कि खेल क्या है। महाराष्ट्र की जनता ने संकेत दिया है, अब इस पे अमल केंद्र सरकार को करना है।